हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चुने जन्म माह वाला कोई एक दिल, जाने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। ज्योतिष अनुसार साल के 12 महीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव में उसके जन्म माह के अनुसार कुछ खूबियां और कमियां भी स्वतः ही आ जाती हैं। जन्म की तारीख जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही जन्म का महीना भी। अंक ज्योतिष में जन्म के महीने को आधार मानकर किसी के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में पता लगाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको महीने के अलग अलग हार्ट्स दिखाएंगे, जिनमें से आपको अपने या अपने पार्टनर के जन्म माह वाले दिल को चुनना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। देखते हैं आपके चुने हुए माह के आधार पर आप या आपके पार्टनर की वीकनेस या कमजोरी क्या है। चुने अपने जन्म माह वाला एक दिल। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिन्होंने जनवरी माह चुना है। अगर आपने चुना है जनवरी माह, तो आप बहुत ही प्रभावशाली, स्वतंत्र और लीडरशिप का गुण रखने वाले व्यक्ति हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी और चीजों को अपने तरीके से करने के लिए समाज में जाने जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आपका प्रोटेक्टिव और केयरिंग स्वभाव है, जो कभी कभी आपको मुसीबत में भी डाल देता है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने फरवरी माह चुना है। अगर आपने चुना है फरवरी माह, तो आप बेहद इंटेलिजेंट, रिश्तों को बहुत अहमियत देने वाले, अपने पार्टनर और उनके प्यार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने वालों में से एक हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका बहुत ज्यादा इमोशनल स्वभाव है। आप बहुत जल्दी दूसरों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने मार्च माह चुना है। अगर आपने चुना है मार्च माह, तो आप हमेशा प्यार भरा जीवन जीने का सपना देखने वाले, बेहद सॉफ्ट दिल, ईमानदार और अपने से जुड़े हर शख्स की छोटी बड़ी खुशी को वैल्यू देने वाले व्यक्ति हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका जरूरत से ज्यादा ईमानदार होना और दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने अप्रैल माह चुना है। अगर आपने चुना है अप्रैल माह, तो आप बहुत मजाकिया, एक्टिव और सॉफ्ट हार्टेड किस्म के व्यक्ति हैं। आपका दिल बहुत सच्चा और साफ है, जो आपको हर परिस्थिति में अपनों से जोड़े रखता है। इसके बावजूद भी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने मई माह चुना है। अगर आपने चुना है मई माह, तो आप प्यार के मामले में सच्चे, सरल, मजबूत इच्छा शक्ति वाले और अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण रखने वालों में से एक हैं। आप समझदार, कल्पनाशील और आपको ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है। लेकिन वहीं अगर बात करें आपकी वीकनेस की, तो आप थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के भी हैं। हालांकि गुस्सा आने पर आप कुछ समय बाद खुद को संभालना भी बखूबी जानते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने जून माह चुना है। अगर आपने चुना है जून माह, तो आप बहुत ही चुलबुले, बातूनी, रोमांटिक और रोमांच पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि आप दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप गॉसिप करना बहुत पसंद करते हैं। आप दिल के उदार और अपनों से बेहद लगाव रखने वालों में से एक हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने जुलाई माह चुना है। अगर आपने चुना है जुलाई माह, तो आप न केवल भावुक बल्कि दूसरों के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं। आप अपने हर रिश्ते के प्रति वफादार रहते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से आप कभी कभी चीजों को लेकर काफी सोच विचार करने लगते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने अगस्त माह चुना है। अगर आपने चुना है अगस्त माह, तो आप बहुत ही मेहनती, चार्मिंग और लविंग हैं। आप अपने हर काम के प्रति काफी सीरियस रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जो कई बार आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने सितंबर माह चुना है। अगर आपने चुना है सितंबर माह, तो आप ज्यादातर शांति पसंद करने वाले और दिल से बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसीलिए जल्दी रिलेशनशिप में आप नहीं पड़ते, लेकिन किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके प्रति खुद को समर्पित भी कर देते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपने किसी खास रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने अक्टूबर माह चुना है। अगर आपने चुना है अक्टूबर माह, तो आप अपनी फीलिंग्स और जज्बातों को जाहिर करने में सबसे आगे हैं। आप बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप रिश्तों और चीजों के प्रति काफी चूजी किस्म के व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने नवंबर माह चुना है। अगर आपने चुना है नवंबर माह, तो आप प्यार में रोमांच पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया से हटकर सोच रखते हैं। कभी कभी आप प्यार में पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर बैठते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस या उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं।
अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने दिसंबर माह चुना है। अगर आपने चुना है दिसंबर माह, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को जल्दी इम्प्रेस करने की ताकत रखते हैं। प्यार के मामले में आप बहुत ही पैशनेट हैं, जो अपने पार्टनर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कई बार आप दूसरों की बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं और चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो, तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।